4 जून को थियामेन स्क्वायर प्रदर्शन एवं उसके बर्बर नरसंहार के 34 बरस पूरे हो जाएंगे। दुनिया के इतिहास में यह घटना कम्युनिस्ट शासन के अत्याचारों की इंतहा मानी जाती है। 4 जून 1989 में बीजिंग में मानव खून की नदियां बह रही थी। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने बीजिंग की सड़कों पर टैंक उतार दिए। कुछ ही घंटों में 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस घटना को थियामेन स्क्वायर नरसंहार के नाम से हम आज भी याद करते हैं। चीन में कम्युनिस्ट सरकार 1949 से अस्तित्व में है। चीन में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत नरसंहारों से ही हुई थी। 1948 से 1951 यानी 3 सालों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की हत्या की गई थी। यह सिलसिला कभी नहीं थमा। साल 1967 में 5,000 लोगों को मार दिया गया। ऐसे ही 1979, 1994, 1998 और 2014 में भी नरसंहार के कई मामले देखे जाते हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार स्वभावगत ही लोकतंत्र के खिलाफ है। यहाँ न चुनाव होते हैं और ना ही अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी है। सरकार की नीतियों का विरोध तो संभव ही नहीं। इंटरनेट जैसी सुविधाओं पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। वास्तव में ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कम्युनिस्ट की सरकार आखिर बनी कैसे और यह सब कुछ हुआ क्यों। 1949 में माओ त्से-तुंग ने तियानमेन चौक में लाल झंडा फहराकर कम्युनिस्ट सरकार बनाई थी। 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की और 10 सालों तक सांस्कृतिक क्रांति की आड़ में हजारों लोगों को मार दिया गया और लाखों लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया। माओ जेडांग की मृत्यु के साथ ही इसका अंत हुआ। नए राष्ट्राध्यक्ष के आने के बाद उनकी नीतियों की वजह से चीन में भ्रष्टाचार, वंशवाद, मुद्रास्फीति, महंगाई जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1980 के उत्तरार्ध में हम आर्थिक और सामाजिक बदलावों के लिए लोगों के अंदर आक्रोश पनपता हुआ देखते हैं। बुद्धिजीवी मानने लगे थे कि अब लोकतंत्र ही इसका सही इलाज है। फैंग लीजी नामक एक एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर ने खुलकर सरकार की नीतियों की आलोचना की। इनके प्रभाव और लगातार बयानों के बाद इस आंदोलन को चिंगारी मिल गई। ह्यू याओ वांग ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होते हुए भी छात्रों और बुद्धिजीवियों की मांग को जायज ठहराया, परंतु उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने बेइज्जत करके निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित होने के बाद दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे ने पूरे चीन में छात्रों का गुस्सा चरम पर पहुंचा दिया। वे अब लोकतंत्र की मांग को छोड़ना नहीं चाहते। 16 से 20 अप्रैल तक लोकतंत्र के लिए हो रहे इस आंदोलन की आग पूरे चीन में फैल चुकी थी। छात्रों की इस आंदोलन में मुख्यतः 7 मांगें थी, जिसमें ह्यू याओ वांग के लोकतंत्र के मॉडल को अपनाने की बात थी, बुर्जुआ लिबरल की बात थी, नेताओं की संपत्ति को सार्वजनिक करने, प्रेस सेंसरशिप हटाने, शिक्षा के लिए फंड देने, छात्रों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाने तथा छात्रों के इस आंदोलन के उद्देश्यों के बारे में सही जानकारी पूरे देश के सामने रखने की मांग की थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी में तत्कालीन स्थिति की वजह से जाओ जियांग नए महासचिव बने। एक पार्टी के अंदर ही लगभग 2 फाड़ हो चुके थे। ये भी छात्रों की मांग का समर्थन करते नजर आते हैं। उधर दूसरी तरफ हार्डकोर रहे नेता ली पेंग ने साफ तौर से इस आंदोलन और उसके मांगों को कुचलने की मांग की, जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी मान लिया। 26 अप्रैल को पीपुल्स डेली ने सभी आंदोलनकारियों को देशद्रोही करार दिया। 27 अप्रैल को लगभग 1,00,000 लोग तियानमेन चौक पर पहुंचे और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से लोकतंत्र लाने की बात की। आंदोलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था।
नियंत्रण से बाहर जा चुका था और इसकी वजह से कम्युनिस्ट सरकार ने मजबूर होकर वहां मार्शल लॉ लगाने का निर्णय लिया और अंततः 20 मई को मार्शल लॉ लगा भी दिया गया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने आधिकारिक आंकड़ों में मौतों की संख्या सिर्फ 300 बताई, लेकिन ब्रिटिश पुरालेख के अनुसार तियानमेन चौक में हुए नरसंहार में 10,000 से अधिक आम नागरिक मारे गए थे। चीन में तत्कालीन ब्रिटिश राजदूत रहे एलन डोनाल्ड ने लंदन भेजे एक टेलीग्राम में कहा था कि इस घटना में कम से कम 10,000 लोग मारे गए हैं। घटना के 28 वर्षों के बाद यह दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। हांगकांग बैप्टिस्ट विश्वविद्यालय में चीनी इतिहास, भाषा एवं संस्कृति के एक विशेषज्ञ ज्या पीए कबेस्टन ने कहा था कि ब्रिटिश आंकड़े पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। चीनी लेखक लियाओ तियू ने भी कहा कि चीन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन चुका है। पुस्तक लिखने वाले इस लेखक ने तियामेन चौक की घटना पर अपनी पुस्तक में लिखा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हजारों लोगों को किस तरह से सेना ने मार गिराया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने चीनी कम्युनिस्ट सरकार के इस कृत्य की भरपूर निंदा की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार संगठनों में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराने की योजना भी बनाई। यूरोपियन यूनियन ने चीन के साथ किसी भी तरह के हथियार व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिए। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और चीनी छात्रों को 4 साल के लिए शरण देने की घोषणा भी की। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी भर्त्सना की। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों की भीड़ के खूनी दमन से फ्रांस निराश है। हंगरी ने इस घटना को कहा कि यह एक भयावह घटना है। जापान ने इस घटना को सही नहीं कही जा सकने वाली घटना के रूप में देखा और कहा कि चीन को दिए जा रहे कर्ज भी हम रोक लेंगे। मकाओ में इसके विरोध में लगभग 1.5 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। स्वीडन की सरकार और नीदरलैंड की डच सरकार ने भी चीन से सभी डिप्लोमेटिक रिश्तों को स्थगित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच बुश ने मिलिट्री सेल्स और चीनी दौरे को रद्द कर दिया। पूरे अमेरिका में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। विदेशी मीडिया पर आंदोलन के कवरेज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद पूर्ण रूप से मीडिया को तियानमेन चौक पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। पत्रकारों की माने तो नान लिन कहते हैं कि तियानमेन चौक की तस्वीर भी हमें नहीं लेने दी गई। बीजिंग से किसी तरह की वीडियोग्राफी फिल्म को बाहर ले जाना काफी मुश्किल हो गया था। मार्शल लॉ के दौरान मीडिया के लोगों को भी नजरबंद किया गया और मुख्य रूप से हांगकांग और CBS मीडिया के अमेरिकी पत्रकार उसमें शामिल थे। वास्तव में चीन में लोकतंत्र की कल्पना करना ही कितना भयावह हो सकता है, यह तियानमेन चौक नरसंहार ने हम सबको दिखा दिया। एक प्रसिद्ध चीनी लेखक ने कहा कि जब तियानमेन चौक पर हजारों की संख्या में लोकतंत्र की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी बैठे थे तो उनसे लोकतंत्र के बारे में पूछा गया तो 70% से अधिक लोगों ने लोकतंत्र क्या होता है इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं कि उन प्रदर्शनकारियों को लोकतंत्र क्या होता है ये भले ही ना पता हो, लेकिन कम्युनिज्म क्या होता है ये अच्छे से पता था। उनको पता था कि उनके परेशानी की जड़ कम्युनिज्म ही है। उनकी आज़ादी, रहन सहन, खान पान, काम, खेल, उद्योग, कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी को इसी कम्युनिज्म ने अपने जंजीरों में जकड़ रखा था। वो सभी प्रदर्शनकारी इसी कम्युनिज्म से छुटकारा पाने के लिए लोकतंत्र की मांग करने सड़क पर उतरे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि लाल आतंक सत्ता के साथ साथ रक्त पिपासु भी होता है। यही काम कम्युनिस्ट उसे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए करते हैं। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रक्त बहाना ही होता है और तमाम देशों में कम्युनिस्ट सरकारों ने यही किया। कम्युनिस्ट सरकारों को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए रक्त बहाना होता है और तमाम देशों की कम्युनिस्ट सरकारों ने अपने लिए यही किया है। इस घटना के विरोध में किसी कम्युनिस्ट सरकार ने कुछ नहीं कहा, ज़्यादातर ने इसका समर्थन किया और
कुछ लोगों ने सिर्फ चुप्पी साध ली। सेंसरशिप और सुरक्षा के दायरे में चीन अब इस घटना को जिक्र नहीं करता, लेकिन 1989 के इस घटना की याद सभी की स्मृतियों में आज भी है।